पश्चिम चंपारण जिले की भिखना ठोरी से गौनाहा भितिहरवा आश्रम अमोलवा होते हुए नरकटियागंज को जोड़ने वाली एकमात्र छोटी रेलवे लाइन जहां एक दिन में 3 बार ट्रेन का आवागमन होती थी, जो आज से 3 माह पहले बिना किसी ठोस सूचना के बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से सैकड़ों गांवों के विद्यार्थी, किसान और मजदूर वर्ग के लोग को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोज सत क्या समस्या बा? दुख दा होता तो दवा दारू का आदमी 200 रुपये में चल जाते रह ट्रेन से, अब तो लागत है 25 रुपया बस में, सब बस में यही का दिक्कत। ट्रेन ट्रेन बंद होले कितना दिन हो गया? 3 महीना। तो यातायात के लिए मुख्य साधन ट्रेनें थी, और ट्रेन बंद होने से यहाँ के काफ़ी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। यातायात के साधन जो है, आज टेम्पो है जो रोड इतनी ख़राब है कि आने जाने में परेशानी तो है ही, दोगुना भाड़ा देकर जाना आना पड़ता है। और यहाँ के खास करके गरीब लोग जो नेपाल में जाकर अपना रोजी रोजगार करते थे, कमाते थे, रोज काम करके आ जाते थे, चले जाते थे, उनके लिए तो परेशानी है ही। यहाँ महंगाई भी भरमार है, यहाँ के खास करके बच्चे लोगों को पढ़ाई के मामले में भी प्रभावित हुआ है। मैं चाहती हूँ कि इस रूट को भी बड़ी लाइन बनाया जाए, लेकिन इस रूट की गाड़ी बंद करने के बजाय भिखना ठोरी से बड़ी लाइन का काम शुरू हो तब तक गौनाहा स्टेशन तक गाड़ी का परिचालन होता रहे, और गौनाहा से आगे काम होता तब तक गांधी आश्रम भितिहरवा तक गाड़ी चले, जिससे इस पूरे क्षेत्र के लोगों को यातायात के लिए सुविधा की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। और इसके लिए मैं पूरी मजबूती के साथ सवाल खड़ा करना चाहती हूँ, और आप सभी दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि आप भी हमारी इस महत्वपूर्ण लड़ाई का हिस्सा बने, जिसके लिए समस्तीपुर डीवीआर रेलवे मैनेजर का नंबर है 6274222217। इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।